आज बलिया जिले के सहतवार स्थित जन सामुदायिक केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया, जिसमें आजमगढ़ मंडल से आए हुए एके राय संयुक्त निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री राय ने बताया कि इस मेले की शुरुआत आज से बलिया में की गई है और प्रत्येक रविवार को जनपद के हर सामुदायिक केंद्र पर मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से हमारे नगरीय लोग जो इलाज के अभाव में और वांछित रह जाते हैं, उनके लिए यह योजना लाभकारी होगी। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केंद्र प्रभारी इरशाद अहमद, लैब असिस्टेंट प्रियंका गुप्ता, फार्मेसिस्ट घनश्याम सिंह, कुष्ठ विभाग रविंद्र नाथ सिंह, क्षय रोग नवीन सिंह, विवेक जी, पांडे चौकीदार दुर्ग जी आदि मौजूद रहे। बलिया से वरुण चौबे की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सर, आपसे हम परिचय चाहेंगे। मैं डॉक्टर ए पी राय, संयुक्त निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य। इस समय मेरे पास बुलाव है डायरेक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य। सर, ये आज किस जगह का, क्या किस प्रकार का उद्घाटन है, कौन सा कार्यक्रम, कुछ बताएंगे हमें डिटेल में। आज जो है मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, इसका उद्घाटन प्रत्येक रविवार को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाया। मैं चाहता हूँ कि आपके स्तर से थोड़ा सा जागरूकता पब्लिक में बढ़ जाए। प्रत्येक रविवार को मेला लगाया। सर, जिस प्रकार से ये जन आरोग्य का योजना लॉन्च की गई, लागू की गई, लेकिन देखा गया कि बड़े पैमाने पर अस्पतालों द्वारा और फिर पहले भर्ती तो ये फर्जीवाड़ा किया गया, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, आगे क्या करने वाली है? इसमें तो फर्जीवाड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लिए, इससे लोग जो है स्वास्थ्य मेले का लाभ उठा पाए। सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जटिल लोग यहाँ से चिन्हित हो जाएंगे, उसको आगे इलाज के लिए संबंधित कर दिया जाएंगे। सर, बात करें आयुष्मान भारत योजना की, तो सरकार यह लक्ष्य लेकर चली थी कि जो भी देश में है वो कोई सब आरोग्य हो, कोई भी रोगी ना रहे, किसी को भी। 2011 के जो सेंसस है इसमें जो बिलो पावर्टी लाइन उनको चिन्हित किया गया था, उनको जो है ये गोल्डन कार्ड इशू किया जा रहा है। इसकी सूची पहले से ही आ गई है, तो उनको चिन्हित करके उनको गोल्डन कार्ड दिया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, प्रत्येक परिवार को 5 लाख का सालाना, जितने भी सदस्य उसमें चिन्हित है उससे इंश्योरेंस से कवर होंगे। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है, उसके लिए क्या सरकार क्या कदम उठा रही है? 2011 के सेंसस में हो सकता है कि उनका नाम ना रहा, जो 2021 में जो सेंसस होगा उसमें नाम।